सैफुल झड़ी और मैं श्रुति। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहेंगे। जी हां, खान ने मास्को की अपनी पहली यात्रा की पूर्व संध्या पर रूस के सरकारी टेलीविजन नेटवर्क RT से साक्षात्कार के दौरान यह टिप्पणी की। आपको बता दें कि पिछले 2 दशक में पहली बार कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर था। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता किए और प्रमुख क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा भी की। खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ TV पर बहस करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को बहस के जरिए सुलझाया जा सकता है तो यह उपमहाद्वीप के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपको यह भी बताते चलें कि अभी हाल ही में इमरान खान के आर्थिक मामलों के सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने बयान दिया था कि वह भारत के साथ व्यापार संबंधों का समर्थन करते हैं जिससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। इमरान खान ने आगे कहा कि पाकिस्तान के क्षेत्रीय व्यापार विकल्प पहले से ही सीमित थे। उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान पर अमेरिकी प्रतिबंध और इलाके में जारी युद्ध का जिक्र भी किया। हालांकि पाकिस्तान का व्यापार चीन के साथ काफी ज्यादा बढ़ा है। चीन और पाकिस्तान CPEC पर भी काम कर रहे हैं। यह एक बड़ी परियोजना है जिसके जरिए चीन का उद्देश्य पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाने का है। आपको जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि इमरान खान ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जब उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ सन 2018 में सत्ता में आई थी तो उन्होंने भारत से तत्काल संपर्क किया था और भारतीय नेतृत्व से वार्ता के जरिए कश्मीर मामला सुलझाने को कहा था। उन्होंने कहा कि भारत ने उनकी पहल का कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। भारत में आतंकवादी संगठनों द्वारा सन 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर किए गए आतंकवादी हमले के बाद दोनों पड़ोसी देशों के संबंध और खराब हो गए थे। और आइए अब जान लेते हैं कि इमरान खान ने डिबेट की इच्छा आखिर क्यों जताई है। आपको बता दें कि इमरान खान का PM मोदी के साथ TV डिबेट करने का बयान उनकी रूस यात्रा के एक दिन पहले आया है। यूक्रेन संकट के बीच इमरान खान रूस जाकर अपना समर्थन जताना चाहते हैं। यह पिछले 23 साल में पहला मौका होगा जब कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस का दौरा किया। जी हाँ, इस दौरे के लिए पाकिस्तान ने रूस से जबरदस्ती निमंत्रण मांगा था। वहीं पाकिस्तान के जानकारों का मानना है कि इमरान खान का यह कदम अमेरिका और पश्चिमी देशों को नाराज कर सकता है। खुद पुतिन भी इमरान खान के रूस दौरे को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाए। आपको बताते चलें कि हालांकि मजेदार बात तो ये है कि इमरान खान की इसी इच्छा पर पाकिस्तानी नागरिकों ने ही उन्हें फटकार लगाई है। यूजर ने लिखा है कि किस मुद्दे पर बहस। इमरान खान जानते हैं कि वो कश्मीर की जंग हार चुके हैं और मुद्दे को जिंदा रखना पसंद करते हैं। कोई उन्हें बताओ कि भारत इससे आगे बढ़ चुका है। इसी तरह एक यूजर ने कहा कि इमरान खान की टिप्पणी और कार्यों से स्पष्ट है कि रूस यूक्रेन पर उनकी कोई निश्चित रणनीति नहीं है। उन्होंने टीवी साक्षात्कार को विफल कर दिया। आपको आगे बताते चलें कि इमरान खान की टिप्पणी पर एक यूजर ने यहां तक लिखा कि नरेंद्र मोदी परिपक्व प्रधानमंत्री हैं, वो उनके प्रस्ताव या आलोचना का भी जवाब नहीं देंगे। ऐसी ही एक यूजर ने इमरान खान को लताड़ लगाते हुए लिखा कि आप पहले विपक्षी नेताओं के साथ टीवी पर बहस क्यों नहीं करते, पहले विपक्ष के साथ अपने मुद्दे सुलझाइए। फिर एक कमेंट में यह भी कहा गया कि इमरान खान पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भारत की जगह पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। आपको यह भी बताते चलें कि भारत ने हाल के दिनों में पाकिस्तान को यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने पाक से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की मांग की है। सन 2008 के मुंबई आतंकी हमले के अलावा भारत ने पाकिस्तान से सन 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने को भी कहा है। इसमें 7 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। उसी साल उरी में भी भारतीय सेना के एक कैंप पर हमला किया गया था, इसमें 19 सैनिक मारे गए थे। साथ ही सन 2019 पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए थे।
तो आपको इमरान खान की इस बयानबाजी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।